लालू यादव रहेंगे तो सबका दाल गले वाला ना है, अब दाल गलावे के फेर में लगल है। ओका बाप को का है वो आ जाए तो नहीं तो क्या हो गया सर। हम लोग आए हैं, लालू जी को ईडी ने बुलाया है, उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकती है तो छद्म जरूर लड़ रही है। वह चाहती है कि इस देश पर मनुवाद की व्यवस्था थोपा जाए। इतना दिन से ईडी सीबीआई वाला तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो उसे घबरा गया राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता। लालू थे तभी थे, न तो इनके जैसा किसी लोग को पता नहीं रहता। लालू यादव आए तो कितने कितने पलटू आए। अच्छा ये अच्छा सुनिए ना, ये नीतीश जी करवा रहे हैं प्रेशर में बना के भाजपा वाले। देखिए नीतीश जी तो कोई विषय ही नहीं है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को ईडी के द्वारा आज पटना के ईडी ऑफिस में बुलाया गया है, अंदर पूछताछ चल रही है। लालू यादव ईडी ऑफिस के अंदर मौजूद है इस वक्त। देखिए तमाम जो समर्थक है लालू यादव के, कार्यकर्ता आरजेडी के, वो बाहर हैं। क्या हो गया, क्या हो गया सर? कुछ नहीं हुआ, हुआ क्या? हाँ। हम लोग आए हैं, लालू जी को ईडी ने बुलाया है, उनके समर्थन में हम लोग आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी अब डायरेक्ट लड़ाई नहीं लड़ सकती है तो छद्म जरूर लड़ रही है। अच्छा। वह चाहती है कि इस देश पर मनुवाद की व्यवस्था थोपा जाए। लेकिन जब तक लालू यादव हैं इस बिहार में जो है समाजवादी लोग हैं, समाजवाद की ही धारा चलेगी। उनके चाहने से, उनके करने से कुछ नहीं होने वाला है। और चाहे सीबीआई ला दें, ईडी ला दें, आईडी ला दें, कोई भी ला दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लालू प्रसाद यादव का विचार हर घर में मौजूद है, हर लोगों के पास मौजूद है। विचारधारा की लड़ाई है, इसमें राजद न झुका है न झुकेगा। अच्छा तो लालू यादव को आखिर क्यों बुलाया गया, क्या वजह हो सकती है? लालू यादव ने इस देश में चली आ रही व्यवस्था को पलट दिया है। वो लोग सामंती लोग जो अपने सामने गरीबों को खटिया पर नहीं बैठने देते थे, जूता नहीं पहनने देते थे, लालू प्रसाद यादव ने जिसको पलट दिया है उसका गुस्सा अभी तक वो भूल नहीं पाए हैं। और लालू प्रसाद यादव को किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित करना चाहते हैं, इसलिए तमाम एजेंसियों को ला करके लालू यादव पर प्रताड़न करने के लिए काम करते हैं। उन्होंने जो पलटा है, जो पलट दिया है व्यवस्था को, कुछ नए नाम सुने उनके लिए आप लोग कि पलटू ये राम रहेंगे? मैं पलटू राम पर नहीं जा रहा हूँ, मैं लालू प्रसाद यादव ने इस देश के व्यवस्था को पलटा है। वो तो देखिए जो उनका बात कर रहे हैं ना, लालू थे तभी थे, न तो इनके जैसा किसी लोग को पता नहीं रहता। लालू यादव आए तो कितने कितने पलटू आए। अच्छा ये अच्छा सुनिए ना, ये नीतीश जी करवा रहे हैं प्रेशर में बना के भाजपा वाले। देखिए नीतीश जी तो कोई विषय ही नहीं है, लड़ाई मनुवाद से है। हाँ वो मनुवाद के गोद में बैठे हुए हैं, इनकी कोई औकात नहीं है। ये लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं है, यह लड़ाई जो है मनुवाद के व्यवस्था से है, भारतीय जनता पार्टी से है, नरेंद्र मोदी से है, आरएसएस से है। नीतीश कुमार तो कुछ भी नहीं है, वह शून्य है, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। काहे लालू यादव को परेशान किया जा रहा है बार बार, क्या वजह है? अभी ना अध्यक्ष जी बताएं जी, क्या है, क्या वजह है? हमने वजह ये है ना, कोई गरीबों को उठान और शोषित को उठान जो किए ना है, इसके लिए उनको ये मिल रहा है। बिल्कुल बराबरी। अब देखिए तेजस्वी यादव जो जितना बिहार में नौकरी जो दिए उन लोग उसी का ये परिणाम है जो नीतीश जी इनसे खपा होके भाग गए। हम जो खपा हुए, खपा हो गए नहीं, कि हमको काम करने नहीं मिल रहा था। सिंपल सी बात, लालू यादव जिंदाबाद। कुछ भी नहीं होता। अच्छा काहे लालू यादव को परेशान है? जो गरीबों का हमेशा मदद करेंगे उनका तो कोई है नहीं, और ये जो पार्टी है जो लालू यादव रहेंगे तो सबका दाल गले वाला ना है, अब दाल गलावे के फेर में लगल है। वो का बाप को का है वो आ जाए तो नहीं तो, मैंने कि वो तू को तो रस ले, हमको तो कैरेक्टर ढीला कौन करता है? और अब देख रहा है तीन दिन से, और वही कहता था कि सब डरते हैं, उप मुख्यमंत्री डरते हैं, हम ना डरे, नाम का हम डरे वाला है। नाम बताइए। अरे अमित यादव नाम हुआ। कौन करते हैं सब, के करते हैं सब, ये सब बयान देते हैं? अरे कौन बयान देते हैं, हम नहीं जान रहे। आप लोग तो खूब बढ़िया जान रहे। नहीं जान, आप ही लोग ना जान रहे, नहीं जानते हैं। लालू यादव सम्राट चौधरी, सम्राट चौधरी कहां जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो पूरा परेशान किया जा रहा है लालू यादव को, बताइए ईडी ऑफिस में बुला दिया। हाँ परेशान तो किया जा रहा है ना, नेता को परेशान किया जा रहा है?
अरे परेशान करने से हड़बड़ाने वाले थोड़े हैं हम लोग, एक बूंद भी हड़बड़ाने वाले नहीं है। इतना दिन से ईडी सीबीआई वाला तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो उससे घबरा गया राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता। एक भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय जनता दल का डिगने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग घबराने वाले नहीं है। ना हमारे नेता घबराने वाले हैं, ना हम लोग घबराने वाले हैं। तो काहे टॉर्चर किया जा रहा है ईडी ऑफिस आज? अरे टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है, एक मिनट बोलने दीजिए। टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरह से 17 साल से इन लोग राज कर रहे थे, कुछ नहीं कर पाए, युवाओं को रोजगार के नाम पर बस ठग रहे हैं। लेकिन 17 महीना के राज में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लोगों को लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। जो वादा किया पूरा किया, जितना भी वादा किया था चुनाव के समय में उसको पूरा किया। उप मुख्यमंत्री रहते भर में मुख्यमंत्री रह करके कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री बन करके अपने केवल विभागों के माध्यम से, जो राष्ट्रीय जनता दल का विभाग था, उन विभागों के माध्यम से लगभग 5 लाख रोजगार देने का काम किया। लालू यादव को परेशान क्यों किया? अरे इसीलिए घबरा गए हैं भाई विपक्ष के लोग। तेजस्वी कहे घबरा गए? घबरा गए इसलिए कि तेजस्वी यादव जी में दम है। वो समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी खेला भी और होगा और काफी समय है, अभी तो शुरू हुआ है खेला, एकदम होगा, कहीं नहीं होगा। आपके माध्यम से हम लोग जो आवाज बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा भी घबराने वाले नहीं है, घबराने वाले हैं ना, ना हमारे नेता घबराने वाले हैं, ना राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता घबराने वाले हैं। आपके माध्यम से कम सबसे पहले अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो वादा किया 4 लाख रोजगार का, 5 लाख रोजगार का, उसको पूरा कर रहे थे एक साल 17 महीने के। आप लोग बहुत नाराज है, नाराज कुछ थोड़ा भी नाराज नहीं है? तो देखिए एक मिनट, तो लोग हैं वो काफी नाराज है। लालू यादव को ईडी ऑफिस बुलाया गया है, अंदर पूछताछ लगातार 1 घंटा से जारी है, लेकिन कल नीतीश कुमार पाला बदले है, क्यों ऐसा हो रहा? लालू यादव को ईडी ऑफिस बुलाया गया, तमाम सवालों का जो जवाब है वो अभी नहीं मिल रहा है। बहरहाल लालू यादव बाहर निकलते हैं, क्या कुछ निकलता है वो आपको हम बताएंगे, क्या कुछ पूछा गया उनसे वो हम बताएंगे। लेकिन ये समर्थक काफ़ी आक्रोश है। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दे, फेसबुक पर देख रहे वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।